कुम्हारी क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण मुख्यमंत्री ने रिमोट द्वारा किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न फूड स्टॉलों का अवलोकन भी किया। परिसर में स्थित मिलेट कैफे का उद्घाटन भी उन्होंने किया। वहीं मुख्यमंत्री ने टॉय ट्रेन का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया एवं आर्च ब्रिज का अवलोकन भी किया। नगरपालिका परिषद कुम्हारी में सीएम भूपेश बघेल ने 174 करोड़ से भी अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कुम्हारी के बड़े तरिया यानी के पुराने बड़ा तालाब को सुंदर आधुनिक रूप दिया गया है, जिसमें लाइट एवं साउंड शो के साथ म्यूजिकल फाउंटेन आकर्षण का केंद्र है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि माँ महामाया की नगरी कुम्हारी में माता शीतला के आशीर्वाद से 18 एकड़ में निर्मित बड़े तरिया का लोकार्पण किया गया है। इस कार्य की लागत 26 करोड़ की है। तालाब हमारे संस्कृति की केंद्र बिंदु तो हैं, साथ ही भूजल स्तर को बनाए रखने में इनका महत्वपूर्ण योगदान भी है। तालाबों के संवर्धन से भूजल स्तर में सुधार भी होता है। हमारी सरकार इस दिशा में सतत रूप से कार्य भी कर रही है। शहरों एवं गांव की भूजल स्तर की सुधार के लिए निरंतर कदम उठाए भी जा रहे हैं। कुम्हारी में लोकार्पित हो रहा है बड़े तरिया। बहरहाल इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ये दुर्ग और रायपुर जिले के सीमा में कुम्हारी नगर और नगर पालिका में माँ माया का मंदिर भी है और गुरु घासीदास जी का भी मंदिर बहुत सुंदर और बहुत ही पुराना तालाब है, जिसे नगरी प्रशासन विभाग और नगर पालिका और जिला प्रशासन मिल के इसमें बड़े तरिया का आधुनिक रूप दिया गया है, जिसमें लेजर शो भी है, फाउंटेन भी है, लक्ष्मण झूला भी है, तो टॉय ट्रेन भी है और खाने पीने के लिए बहुत सारे 8-9 दुकानें भी खुली है। तो परिवार के साथ, बच्चों के साथ मनोरंजन के लिए कुछ समय बिताने के लिए ये बहुत बढ़िया, रायपुर के लिए भी नज़दीक है और दुर्ग भिलाई के लिए भी नज़दीक है। इस सेंटर में जैसे हमारे मोहम्मद अकबर जी कह रहे थे कि भिलाई मैत्री गार्डन के बाद एक ऐसा मनोरंजन का एक केंद्र यहाँ पर बना है, तो निश्चित रूप से लोगों के लिए ये लाभदायक होगा। आज 14 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में। कुम्हारी हमेशा उपेक्षित रहा है, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में रहा नहीं, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है और बाईसी डेहरिया मंत्री बने हैं नगरी प्रशासन विभाग के, तब से शहरी क्षेत्रों में बहुत विकास के काम हुए हैं, चाहे सड़क बनाने की बात है, बिजली पहुंचाने की बात हो, पानी हो, नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ और भी बहुत सारे उपलब्धियाँ हासिल। इसके पहले चंदखुरी में हम लोगों ने किया, बहुत बढ़िया लेजर शो है वहाँ, जहाँ माता कौशल्या और राम के मंदिर है वहाँ हम लोगों ने पहले किया है। और आप जाके देखेंगे शिवरी नारायण में, वहाँ बहुत खूबसूरत। उसी प्रकार से राजिम में चले जाइए, वहाँ बहुत खूबसूरती से उसको सजाया संवारा जा रहा है और आगे भी निर्माण चल रहा है। सर, राम रामायण और राम वन पद गमन को लेकर हमेशा विवाद क्यों बनी रहती है? पता नहीं क्यों विवाद कर रहे हैं। देखिए, ये तो अभी भारतीय जनता पार्टी वाले राम को तब याद करते हैं जब चुनाव नजदीक आता है। अभी गांव-गांव गौठान में जा रहे हैं क्योंकि वहां गाय और गोबर देखने नहीं जा रहे हैं, वो वोट देखने जा रहे हैं, वोट कहां से मिलेगा इसके लिए वो जा रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं, ना गाय से मतलब है, ना राम से मतलब है। हम लोगों को वोट के लिए नहीं कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ की हमारी संस्कृति है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।